नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है विज्ञान के प्रमुख 150 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट आखिरी। दोस्तों, यह पार्ट में मिलेंगे आपके लिए 101 से 150 तक के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों, यह परास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्या? परास्रव ध्वनि या परास्रव तरंग। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस तापमान होने पर पाठांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका आंसर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यह बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाइऑप्टर किसकी इकाई है? डाइऑप्टर किसकी इकाई है? तो यह लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है, यह दोस्तों नॉल और रुस्का ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, क्या उसका गलनांक कम हो जाता है या फिर घट जाता है? इसके बाद अगला प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किस रंग तरंग का उपयोग किया जाता है? विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों, उसमें परास्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका? परास्रव तरंग का। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करने वाले कौन विधि है? ठीक है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, वह कौन सी विधि है? दोस्तों, वह विकिरण की विधि है। दोस्तों, यह में सूर्य की किरण है जहाँ हर कण पर पड़ती है, इसलिए यह गति नहीं करती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 101, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किसका है? या किसका सिद्धांत है? दोस्तों, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप पूर्ण विवरण किस द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, उत्तम मापी द्वारा मापा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है, एकंट एवं मालसी ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किसके तारत्व या पिच लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? दोस्तों, यह ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करती है कि आवाज़ पतली है या फिर मोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए किस दीवारों पर कलाई की जाती है? तो दोस्तों, है थर्मस फ्लाक्स पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किसके संचरण की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? किस संचरण की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो इसका आंसर है दोस्तों, ऊष्मा विधि में नहीं जाते। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसे उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई
नहीं देती तो उसके कौन सा दोष होगा, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों यह किसने दिखाया था, ग्रेम ऑर्ली ने दिखाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में वितरित होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों दक्षिण से उत्तर दिशा में वितरित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, दोस्तों यह है ब्रह्मगुप्त न्यूटन ने बताया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का कौन सा नियम लागू होगा, तो दोस्तों उसमें गति का पहला नियम लागू होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस तत्व परमाणु में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है हो उन उन तत्वों का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, या उस तत्वों का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर दोस्तों कितनी, 4 होगी द्रव्यमान संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर्स में भारी जल का प्रयोग किया किस रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर्स में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों उस मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 125वां, लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके प्रभाव से की जाती है, तो यह दोस्तों प्रकाश वैद्युत के प्रभाव से की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। ठीक है, किसका, विश्राम जड़त्व के कारण वो गिर जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस तारीख को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, दोस्तों यह 21 जून को होती है, कब यह घटना 21 जून को घटती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों को 60 डिग्री कोण पर अनंत या फिर आमने सामने रखता है तो बीच में खड़ा होता उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, दोस्तों से 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, वाष्पीकरण या बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, दोस्तों में किया जाता है परावर्ती दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो किसने दिया था, रमफोर्ड ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को 36 से कितने डिग्री का कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके, तो इसका दोस्तों है 45 डिग्री कोण पर मारा चाहिए ताकि वो काफी लंबी दूरी पर छक्का हो सके। यहाँ पर इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत किसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर दोस्तों है प्रकाश की पुष्टि करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो दोस्तों इसमें रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, दोस्तों यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटेथोस्कोप ध्वनि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या
तक्षण बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसी किस घटना का प्रभाव का कारण होता है? दूसरे डॉपलर की घटना का प्रभाव का कारण होता है, किसकी? डॉपलर की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज के नियम किस किसके नियम से संबंधित है? दूसरे है प्लाबन के नियम से संबंधित है, किसके? प्लाबन के नियम से। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की सा कल्पना ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम से मिलती है, किसके? ऊष्मगतिकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कांच में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूकेक्स कांच कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किससे पीड़ित होगा? तो यह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतहों पर किसके कारण नाचते या फिर तैरते हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुवण घटना के आधार पर किसके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो यह प्रकाश तरंगों के होने की पुष्टि होती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस कितने डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिक होता है? पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकीला दिखाई नहीं देता या धुतिहीन होता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों यह परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। यह परावर्तन की घटना कहलाती है, ठीक है। तो इसी के साथ यह वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।